नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। देर रात अचानक ही पुलिस द्वारा एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग कर रहे युवाओं को हिरासत में लेने के बाद किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और युवाओं को छुड़ाया। साथ ही इस दौरान पुलिस अधिकारी कविता शर्मा से किरोड़ी लाल मीणा की झड़प के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कविता शर्मा की नौकरी पर बड़े सवाल खड़े करते हुए सबूत सौंपे। वहीं आज अल सुबह ही मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के आवास किरोड़ी लाल मीणा इन युवाओं के साथ पहुंचे और इनकी बात रखी। टोंक के समरावता में 13 नवंबर की घटना के 12 दिन बाद आज सचिन पायलट टोंक पहुंचे। टोंक में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सचिन पायलट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में एक साल की सरकार हो चुकी है, लेकिन सरकार का काम कहीं नजर नहीं आ रहा है, जनता त्रस्त हो चुकी है। तो वहीं अग्रवाल पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कटाक्ष किया कि आज तक मैं उनसे नहीं मिला हूँ, जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो पूछूंगा कि मुझसे इतना स्नेह क्यों है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने किसानों के साथ ही संबल हिंसा को लेकर मोदी पर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, ये चर्चाएं हमेशा राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहती है। तो इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान देते हुए चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बयान देते हुए कहा है कि मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार की खुफिया एजेंसी पर भी बड़े सवाल खड़े किए। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड बेलदार जग्गू राम को सिंचाई विभाग द्वारा 50 लाख रुपए का भुगतान न करने पर श्री गंगानगर के औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय ने 29 नवंबर को मुख्य अभियंता कार्यालय को सीज कर दिया था। किसानों का कहना है कि मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ के कार्यालय से ही राजस्थान के 13 जिलों को पानी वितरित होता है और इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा, सिद्धमुख और खारा सिस्टम को रेगुलेशन इसी कार्यालय से बनता है। और साथ ही भाखड़ व्यास मैनेजमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधि तो हनुमानगढ़ मुख्य अभियंता ही करते हैं और इसी बैठक में ही राजस्थान के पानी को शेयर निर्धारित होता है। ऐसे में मुख्य अभियंता का कार्यालय सीज होने से सभी काम रुक गए हैं और कई जिलों के किसान परेशान हो रहे हैं। एसआई भर्ती के भाग्य का फैसला 10 दिसंबर को होने की संभावना नजर आने लगी है। हाईकोर्ट की ओर से एसआई भर्ती में ट्रेनी एसआई की पासिंग परेड के साथ ही फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है। तो वहीं सरकार से 2 सप्ताह में इस भर्ती पर फैसला लेने के आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। इस मामले पर अब 10 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही अब 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सरकार की ओर से पैरवी करेंगे, तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले में पैरवी करेंगे। सिवरेज कंपनी की लापरवाही से हनुमानगढ़ जंक्शन के चूना फाटक के नागरिक और दुकानदार परेशान हैं। परेशान नागरिकों और दुकानदारों का कहना है कि चूना फाटक क्षेत्र में सिवरेज लीक है और सिवरेज का बदबूदार पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे नागरिकों को निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। परेशान नागरिकों और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार सिवरेज कंपनी, नगर परिषद और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आज कार्यक्रम आयोजित करते हुए 5 विभागों से संबंधित कुल 9 नीतियां जारी की गई। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, ऊर्जा विभाग, नई खनिज नीति एवं सैंड पॉलिसी, खनिज विभाग, एमएसएमई पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, उद्योग विभाग, राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 और क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, उद्योग विभाग, एवीजी CSR पॉलिसी, एमिग्रेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंड रियलिटी DOIT टूरिज्म पॉलिसी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा आखिरकार, इस पर फैसला हो ही गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर कमेटी में आज महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है। मुंबई में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई और बीजेपी के विधायकों के साथ सरकार के समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक भी महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। अब 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिसंबर का पहला सप्ताह खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक भी सर्दी का इंतजार लोगों को है। हालांकि बीते करीब 20 दिनों से सुबह और शाम को गुलाबी सर्दी लोगों को राहत दे रही है।
लेकिन दिन में सूर्य की तपिश तो रात को हल्की उमस लोगों को अभी भी सताती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम फिलहाल मिलाजुला दर्ज होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। डे नाइट इस मुकाबले में भारत जहां सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के लिए उतरेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-1 की बराबरी करने उतरेगा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की अनुपस्थिति में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की थी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने एकादश को चुनना एक बड़ी चुनौती रहेगा, तो वहीं टीम सूत्रों के अनुसार माने तो दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।